यहाँ का डॉक्टर बोले कि मतलब यहाँ से ले जाइए दूसरे जगह, तो यहाँ से रेफर कर दिए दोस्तों। तो यहाँ कुछ अगर हमारी बिटिया को हो जाता ना तो झूठ नहीं बोले, अपने आप को कभी माफ नहीं। यहाँ पर भी कोई नहीं दोस्तों, फैमिली रह कर भी कोई काम नहीं हमारा लगता 40। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत दोस्तों आप सबके एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों, आप सब और मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे ही। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, और अभी ठंडी भी है बहुत ज्यादा, तो ठंडी से बच के रहिएगा दोस्तों। बट अभी दोपहर का टाइम है दोस्तों, और मतलब ठंडी उंडी नहीं लग रहा, अपने रूम में पैक है। इसको ठंडी नहीं लग रहा दोस्तों, मेरे को ठंडी लग रहा क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। नहीं ठंडी है, पर अभी दोस्तों मतलब कि क्या बताएं, बहुत दुख वाली कहानी है दोस्तों हमारे दस्तान में। तो आप सभी को हम सारी चीज बताएंगे, तो आप लोग धीरे धीरे बताएंगे दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिएगा। और आप लोग बोलते होंगे कि अभी तुरंत बिटिया रानी का तबीयत खराब हुआ, निशा जी इतने खुशी इतने मस्ती में है, क्या बात है दोस्तों। वो हम ही को पता है हमारे दिल के अंदर की कितना हम घुट घुट कर रहे हैं। आप लोग देखते भी होंगे मेरा शरीर दोस्तों की कुछ घर टूट गया है, और मेरी मम्मी आज जाने वाली है दोस्तों यहाँ से नानी के घर जाएगी, और नानी भी आ रखी है, तो नानी को आपको देखने को मिलेगा। पर नानी ना आप जल्दी बोलते हैं वीडियो में नहीं आएंगे, क्योंकि एक मामा है वो मामा मना करते हैं वीडियो में इसलिए। और अंजलि भी चल जाएगी, आदि भी चल जाएगी, और इधर अंजलि दोस्तों और मेरे बाबू। गुड मॉर्निंग बेटी, बिटिया रानी, गुड मॉर्निंग। मम्मी तैयार कर कर चाहिए अभी बच्चा को, मम्मी तैयार कर कर गई है बाबू, इसकी नानी तैयार कर दी आज मेरे बाबू को। कितनी क्यूट लग रही है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितनी कैसी लग रही है ना। आदि को देख सकते हैं दोस्तों, और मेरा आदि बाबू के देखिए दोस्तों, ये तो अपने में मगन रहता है। बेटा इधर चाचू लोग कहा है, बोल दो चाचू लोग को, लगा बोलो ब्लॉग का नाम क्या, ब्लॉग का नाम क्या है? स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आप लोग को स्वागत है निशा सुनीत ब्लॉग में, मेरा बाबू बोल रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे ब्लॉग पर बने रहे, अभी हमारे घर से कौन कौन लोग जाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, पर जो भी जाएंगे आप सभी को सब देखने को मिलेगा। हाँ। और हम आज बता भी देंगे दोस्तों कि बाबू का मतलब तबीयत खराब हुआ था तो किस कितना तरह पैसा हुआ था दोस्तों। हाँ। कितना लग भी गया है, तो इसी ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू बने रहिए। अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, और इधर मम्मी भी मार्केट से आ गई है, और बाबू को गोदी में खिला रही है, जो कि ये भी जाग गई है बिटिया भी। अब मम्मी जाएगी अपनी मम्मी के घर दोस्तों, छोड़ कर मम्मी चल जाएगी हम लोग सभी को। तो दोस्तों मम्मी मार्केट से आई, नानी भी आई, पर नानी आधे रास्ते में मतलब उतर गई थी, मतलब वहाँ टेम्पो पे बैठ गई, मम्मी जाएगी पीछे से आई थी कुछ सामान मम्मी लेने के, और नानी का यहाँ कुछ कुछ सामान भी आ रखा है, और अब मम्मी जाने वाली है। खाली मम्मी जाएगी बोल रही थी मम्मी अंजलि भी जाएगी और बाबू भी जाएगी, पर अंजलि ना ही बाबू कोई नहीं जाएगा, खाली मम्मी जाएगी। और कब आएगी मम्मी? देखिए हम मार्केट से आ गए हैं, और साथ ही सब्जी भी लाने गए दोस्तों, तो रास्ते में मतलब ठेले पे मतलब पंडित जी मिल गए थे, इसलिए हम टीका कर दिए दोस्तों, आरती लिए थे दोस्तों, शाम का टाइम था है ना। और एक इधर देखिए आदित्य बाबू जो अभी थोड़ा रो रहा है, अभी मम्मी से लड़ाई कर लिया है, मम्मी को भगा रहा है घर से ना बेटा। हाँ देखिए ना बेटा, नहीं रोते यही थोड़ा मतलब बदमाश हो गया, शैतान सा हो गया, गंदा बात बोल रहा था दोस्तों, तो इसकी मम्मी एक थाप मारी तो रोने लगा, तो ये भी फिर इसको मार दिया। मम्मी कोई वैल्यूएशन ही नहीं। और इधर देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या करेंगे मम्मी, चले गए छोड़ कर इनको कहाँ? अपने घर। तो आप क्या कर रहे हो? हम अपने घर पर खाना बना रहे हैं, और मन नहीं लग रहा था, और ये भी चल रहे मार्केट तरफ, तो अभी आए हैं तो बोले कि निशा खाना बना दो, तो देखिए इधर हम बना और ढाल देते हैं, तो इधर हम खाना बना रहे हैं दोस्तों, आलू मटर की सब्जी देख सकते हैं इधर, और इधर तावा चढ़ा है रोटी के लिए, मटर छीमी आलू का सब्जी।
इधर रोटी के लिए तावा चढ़ावा है, इधर तावा चढ़ा रोटी के लिए, तो चलिए बना लेते हैं और उसके बाद जाके आप सभी से मिलते हैं दोस्तों, और बताएंगे आप सभी से बहुत सारी बातें भी अभी करेंगे तो आप लोग कर। तो दोस्तों फाइनली हमारा खाना बनकर हो गया है कंप्लीट, सब्जी रोटी। और दोस्तों आप सभी को जो मम्मी भी चल गई है आपको बताइए, मम्मी आएगी दो दिन बाद। मेरी बिटिया को मतलब तबीयत खराब हुआ, वो तो आप लोग को सारी चीज पता ही दोस्तों, हमारी बेटी का तबीयत खराब हुआ, हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए और वही भाप जो दिलवार थे वो भी वीडियो आप उनके पास गया, वही भाप दिलाए उसके मतलब दिन भर ना कुछ नहीं बाबू, ना ही रो रही थी ना ही कुछ बोल रही थी, आवाज ही नहीं निकल रही थी, हम तो पूरा दम डर गए थे, कुछ आवाज नहीं, रात होता होते वो रात होते होते तो कुछ आवाज ही नहीं निकल, तो डॉक्टर फिर बाद में बोलते हैं कि हो सकता अब मेरे से नहीं होएगा, तो फिर मतलब हर से दिखा रहे थे तो यहाँ का डॉक्टर बोले की मतलब यहाँ से ले जाइए दूसरे जगह, यहाँ से रेफर कर दिए, तो यहाँ से बोले की आप चल जाइए हमसे नहीं जो होगा उपाय, हमको नहीं समझ में आया, अचानक ही हम सब रात को निकल गए, मतलब 8 बजे अगर तुम 6-7 लगता भाई, नहीं 8 बजे रात है, 8 बजे रात में हमें याद नहीं है, यहाँ से हम बिहार निकले थे दोस्तों लेकर के बाबू को, और वही तो वहाँ पर जा करके बहुत देर पर मतलब खोजते तब वो डॉक्टर के नाम भी हम लोग को नहीं पता था, मेरे चाचा बताए, हम लोग तो एक मतलब हॉस्पिटल का नाम है दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए, पर चाचा बोले नहीं वो दूसरे हॉस्पिटल में चलो, तो वहाँ गए तो भगवान की कृपा से दोस्तों पैसा हमारा जो भी खर्चा हो पैसा खर्चा हुआ हमारी बिटिया ठीक है, बस वही बहुत है, पैसा गया तो गया, पैसा तो दोबारा भी आ जाएगा, बाद में पैसा दूसरे से मांग के ही लाया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, बाद में कर्जा भी लेके आया तो कर्जा टूट भी जा सकता है, लेकिन बच्चे फिर जाने के बाद बच्चे दोस्तों अगर उस दिन कुछ अगर हमारी बिटिया को हो जाता ना तो झूठ नहीं बोल रहे, अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, और ना ही तो कभी अपने हम लगता है हम उस दिन तो हमारा जो आधा जान था ना दोस्तों हम लोग का वो लगता खत्म हो गया, हमारे साथ कोई नहीं यहाँ पर ही भी कोई नहीं दोस्तों, फैमिली रहकर भी कोई काम नहीं, मेरे चाचा को मतलब फोन किए तो चाचा बोले मेरे ठीक है आते हैं, वही आए दोस्तों, तो फिर हम तो अपने चाचा को बोले अगर आप नहीं भी आओगे तो हम चल जाएंगे हॉस्पिटल लेकर, अगर आइएगा तो जल्दी आधे घंटा के अंदर आइए, तो मेरे चाचा जल्दी से आए दोस्तों, वही मतलब फिर भर्ती हुआ उसके बाद फिर जैसे गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी देखकर बोले कि ऑक्सीजन का भी कमी बाबू को बहुत बता रहा था, डॉक्टर ने बता दिया ऑक्सीजन का भी कमी है और इसको मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो जस्ट तुरंत में ऑक्सीजन इमरजेंसी में मतलब ले गया दोस्तों, मतलब तुरंत जाके आप उससे ऑक्सीजन सब चढ़ाया था, पर क्या बोले दोस्तों पैसा तो बहुत ज्यादा है, मतलब कम से कम हमारा लगता 40,000 से ऊपर खर्चा हो गया है 40,000 हुआ है, और कल फिर हमको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बोले थे 3-4 दिन के बाद बाबू को लेकर आइएगा, हम बाबू को मतलब देखेंगे कि बाबू कैसा है कैसा नहीं है, तो हमको फिर जाना है बाबू को लेकर दोस्तों, तब फिर बाबू को जाएंगे, तो यानी 40,000 हमारा 40,000 से ऊपर खर्चा हो गया है दोस्तों, और चलिए हुआ उसका कोई टेंशन उसका नहीं है, कोई गम नहीं है दोस्तों, ये मनाइए कि हमारा बेबी जो ठीक हो गया, उस पे दोस्तों आप तो देखे ही होंगे हम शुरू से हम दवाई खाए, मतलब फर्स्ट मंथ था उसी टाइम से मेरा दवाई वाई चलता गया बिहार से, और फिर भी मतलब की तबीयत खराब तो उतना तो चलता ही है, बच्ची है इतना ही बोलूंगा दोस्तों, है ना, कुछ पार्टी का भी काम नहीं हटते थे फिर भी ऐसा हुआ, ना ही नहाना धोना जल्दी हम करते थे, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ दोस्तों, तो इसलिए आप सभी विनती है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हाँ, और आप लोग भी दोस्तों ये गलती ना करें, जो लोग भी अभी जिनके, अगर जिनके पास भी मतलब बच्चे हैं दोस्तों प्लीज आप लोग ठंडे से बचा के रहिए, बहुत ज्यादा दोस्तों क्या बताएं, जो हमारे साथ हुआ है वो हम नहीं चाहते कि दूसरे के साथ हो, और ना ही कभी चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान हमें भी बच्चे दिए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे थे दोस्तों, जब फर्स्ट में जल्दी से लेके जाइए हॉस्पिटल, हमें तो कुछ नहीं पता दोस्तों, वीडियो बन रहा है क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, बात हाँ एक और भी मतलब 2-3 जने भी कमेंट किए हैं कि आप निशा जी मैके चले जाइए, तो वो भी आप लोग मतलब सुझाव सही दे रहे हैं कि हम तो हो सकता है तो हम लोग जाएंगे भी दोस्तों, हो सकता है कि जाएंगे, पहले तो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर जो सलाह देंगे अगर आने बोलेंगे चाहे नहीं आने बोलेंगे तो वो हिसाब से फिर हम लोग चल जाएंगे ना, क्योंकि मम्मी भी रुकी हुई है दोस्तों, मम्मी को भी बार बार आना जाना, मम्मी का भी छोटी बहन रिया आप लोग देखे होंगे उनको भी खर्चा है, तो बस इतना ही है हमारे, बस
तो दोस्तों चलिए अगर हमारा बस वीडियो बाकी की बात बाद में बोलेंगे दोस्तों, बाद में बताएंगे। धीरे धीरे आप लोग का हमेशा है ही हमारी जिंदगी भर का साथ दोस्तों, हमारे सुख दुख में हमारा हेल्प करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।